देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। आयोजित हुआ 15 दिवसीय पुरुष नसबंदी पखवाड़ा, बाईसी अनुमंडल के चिकित्सकों ने निकाला जागरूकता अभियान। अब की बारी पुरुष की भागीदारी के नारे के साथ लोगों को किया जागरूक। इस पखवाड़े के तहत 21 नवंबर 2019 से 27 नवंबर 2019 तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जबकि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन का अस्थायी व अस्थायी समाधान किया जाएगा। इस जागरूकता अभियान में बतौर पदाधिकारी डॉक्टर अहमद हसन, बाईसी SDO और बाईसी BDO ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आशा व ANM कर्मी के साथ साथ पखवाड़ा से जुड़े अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का प्रोग्राम मेरा 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाली है, ठीक है, जिसको हम बारी बारी से पुरुष नसबंदी के साथ साथ फीमेल महिला बंध्याकरण भी करने जा रहे हैं। और ये स्थाई हुई और अस्थाई में हम अंतरा, कॉन्डोम, कॉपर टी, माला टी सबका भी तो इसमें जो आप जो निकाले सड़क पे अपना जी, इसमें कौन शामिल थे? पखवाड़ा के तहत हम लोग रैली निकाले, जिसमें हमारे SDO साहब भी थे, BDO साहब थे, प्रमुख साहब, जितने मुखिया लोग हैं हमारे यहाँ के सब लोग थे, हमारे MSC थे, उसमें DHM थे, DCM थे, फैसिलिटेटर लोग थी, आशा लोग थी, ANM लोग थी, केयर इंडिया के लोग थे। तो ये आप कितना तारीख से कितना तारीख तक आपका ये अभियान? ये 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। मैं उत्पल दत्ता, केयर इंडिया के जिला समन्वयक, मैं यहाँ पे जिला से बाईसी में आया हूँ। यहाँ पे जागरूकता रैली के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ, तो लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि स्थाई और अस्थाई साधन जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है परिवहन योजना के लिए, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग ने सबने भाग लिया और लोगों तक उसको पहुँचाने के लिए सारा सहयोग हम यहाँ पे इनको दे रहे हैं। पूरी तरह से सहयोग ले रहा हूँ, अपना सहभागिता भी दे रहा हूँ और साथ साथ मुख्य रूप से जो भी पशु हमारे बीमार होते हैं उसे बचाव के लिए कार्यक्रम रक्षा पखवाड़ा के तहत चलाया जा रहा है। दिनांक 21 तारीख से एक जनसंपर्क पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चल रहा है, सारे बिहार में ये हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये बाईसी में दिनांक 21 से 28 तक हम लोग जनसंपर्क पखवाड़ा कर रहे हैं, जिसमें सभी आदमी से जन जागरूकता के लिए मिली जा रही है। आशा के द्वारा, आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा ये हम लोग अभियान चला रहे हैं और सभी आशा को 2 महिला बंध्याकरण और 1 पुरुष नसबंदी का टारगेट दिया गया है।